हम अपने रिपोर्टर्स का जल्दी से रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम मौजूद है और अमित पांडे जिनकी बात अधूरी रह गई थी, त्रिकोणीय मुकाबला है अमित यहां पर कुरुक्षेत्र में, और बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी, क्या वोटर्स का मूड है? आज जी बिल्कुल विपिनेश, सबसे पहले बताएं कि जो पारा है वो 41 डिग्री पार कर गया है, लेकिन लोगों के बीच में जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको कतार दिखाते हैं कि सुबह से ही इसी तरह से कुरुक्षेत्र में जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं, अपने मत का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में इस वक्त सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के नंबर पर चल रहा है। और लोगों से बात करते हैं सबसे पहले कि क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि बार बार यही हो रहा है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है और 31 कैंडिडेट यहां से खड़े हुए हैं, ये भी हरियाणा के इसी लोकसभा सीट पर इतने उम्मीदवार हैं। आपसे बात करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके और क्या सोचकर आप लोग जो है वो मतदान करने के लिए निकले हुए हैं? सर मतलब जो काम करते हैं हम उसको वोट करेंगे और जिन्होंने काम किए हैं, तो हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा वो नहीं है, अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग बात करते हैं, तो बताएगा नहीं आपको कोई कि हम वोट कहाँ डालेंगे। नहीं वोट नहीं, लेकिन मुद्दे क्या है, क्या लगता है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इस तरह के कोई मुद्दे आप लोगों के जहन में है? जी महंगाई ज़्यादा है तो उस पर थोड़ा रोक लगनी चाहिए, तो रोजगार में भी थोड़ा लोगों को वो है कि रोजगार कम है तो रोजगार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं इस बार? हमको तो क्या मुद्दे लगा जी, गरीब आदमी है जी, वोट डाल लेना आगे, गरीब आदमी के बाद तो मोदी ठीक है जी। अच्छा। मारे दे, हम वोट मोदी दे देंगे जी। क्या आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुबह से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है मुकाबला त्रिकोणीय है, तो कुछ तो जहन में होगा, कुछ बातें चल रही होंगी कि इसी आधार पर वोट देना है। नहीं आज से 10 साल पहले जी बहुत ही मान ले उस टाइम में 300 रुपये दिहाड़ी थी, उसमें भी बहुत ही पूरा पड़ जाता, लेकिन आज की महंगाई देख कर नहीं काम चल रहा। अच्छा। आज 500 रुपये दिहाड़ी है उसमें भी पूरा नहीं पट रहा जी। अच्छा, महंगाई मुद्दा है आपके लिए? हाँ जी। आपके लिए क्या है? देखो जी हम तो ये जाना जो बुक है ना कि दो रोटी अंदर के दो अंखे, मोदी 10 साल पीछे ना दिया, 5 और आगे बढ़ा दिया, सिलेंडर की सुन लो सिलेंडर पहले 15 दिन नहीं मिलते कांग्रेस राज में, अब एक फोन करो घर देख जावा ऑनलाइन काम हो गए, जो काम ही ना करते ना 10 साल पहले काम आसान हो गया। कभी भी कांग्रेस ना 70 साल में 1 किलो अनाज नहीं दिया, सड़ गई क्यों समुद्र में फेंक दिया, बस गरीब कर दिया भूखे। और भी लोग हैं बातचीत करते हैं, सर देख रहे हैं कि आप लंबे टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे हैं आपको जो आप सोचकर वोट कर रहे हैं? सर बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा कि देश में, अब देख रहे हैं सभी बेरोजगार ज्यादा हैं, उसी वजह से सारी महंगाई। मैं राहुल, बार बार कहा जाता है कि अमित आप लगातार बात कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी जो है दो बड़े मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, ये तो कुरुक्षेत्र की जनता थी जिनको आप सुन रहे थे, ये हॉट सीट है, फाइट बड़ी है।